नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगवीर सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कोच एंड बिजनेस कोच। ठीक पढ़ा आपने थंबनेल में, एक छिपकली के कारण पूरा युद्ध जीत लिया। कैन यू इमेजिन एक छिपकली कारण बन सकती है युद्ध को जीतने का? कैन यू इमेजिन एक छिपकली वो नीति बन सकती है जिससे युद्ध को जीता गया? जी हाँ, बन सकती है, क्योंकि वो छिपकली कोई मामूली छिपकली नहीं है। वो छिपकली तान्हाजी मलसोर की पालतू छिपकली है, और तान्हाजी मलसोर वो पर्सनैलिटी है जिनके साथ में जो भी कोई रहे वो एक मेधावी योद्धा बन जाता है। और इसी कारण इनके ऊपर एक पूरी की पूरी मूवी प्रिपेयर की गई है जिसका नाम है तान्हाजी द अनसंग वॉरियर, जिसको अजय देवगन और सैफ अली खान साथ में मिलकर अभिनय कर रहे हैं, और हो सकता है जनवरी और फरवरी के महीने में शायद ये रिलीज हो जाए। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है और बहुत ही अच्छी मूवी भी आने वाली है। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए, इसमें बहुत सारी लर्निंग मिलेगी आपको, बहुत सारी पॉइंट्स मिलेंगे जिनसे आप अपनी स्ट्रेटजीज को बना सकते हैं, आप अपनी लाइफ में अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करके आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तान्हाजी मलसोर का जन्म 1600 ईस्वी सातारा महाराष्ट्र के अंदर हुआ। बचपन से ही इनकी तलवारबाजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और इसी इंटरेस्ट के चलते हुए इनकी आगे चल के दोस्ती हुई छत्रपति शिवाजी महाराज, जो कि एक बहुत बड़े योद्धा थे, जिनको मराठा साम्राज्य का बहुत बड़ा योद्धा भी बोला गया और बहुत बड़े राजा भी बोला गया। होता क्या है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने आगे चल के उसी दोस्ती को अपने साथ में अपनी सेना के सेनापति इनको घोषित कर दिया। आगे चल के छत्रपति शिवाजी महाराज और तान्हाजी जो मलसोर थे, उन्होंने साथ में मिलकर कई सारे युद्धों को लड़ा। युद्धों को लड़ते लड़ते उनके दिमाग में वो स्ट्रैटेजीज बिल्ड होने लगी जिनसे युद्ध को जीता जाता है। उनके माइंड के अंदर वो सारी चीज़ें आने लगी जिनसे युद्ध को जीता जाता है। वो सारी चीज़ें उन्होंने अपने इनबिल्ड संस्कार में लेकर आ गए। कुछ ही समय के बाद होता क्या है कि छत्रपति शिवाजी की माँ माँ जीजाबाई अपने बेटे छत्रपति शिवाजी को बोलती हैं कि बेटे आपको एक काम करना है, और जब माँ ने हुक्म दिया तो बच्चा मना कैसे कर सकता है, बेटा मना कैसे कर सकता है। और ये तो मराठा साम्राज्य की वो माँ है जिसको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि और सबसे ज़्यादा प्रेम, सबसे ज़्यादा इज्जत मिली है। और उसी समय में छत्रपति शिवाजी ने उनको बोला कि माँ आप बताओ, आप हुक्म दो बस। उन्होंने बोला कि आपको एक काम करना है, और वो काम ये है कि जब मैं सुबह के टाइम पर सूर्य देव को जब जल चढ़ाती हूँ तो मेरे सामने कौंधाना किले के ऊपर मुगल साम्राज्य का ध्वज लहराता है, और मैं नहीं चाहती हूँ क्योंकि वो मेरी आंखों में चुभता है, और वो मेरे को बहुत बुरा लगता है कि मेरे मराठा साम्राज्य पे, मेरी मराठा की धरती पर किसी मुगल का ध्वज लहरा रहा है। और उसी समय पर उन्होंने क्या किया, छत्रपति शिवाजी ने सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो, चाहे कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, मेरे को इस साम्राज्य को, इस किले को जीतना है, क्योंकि यहाँ पर जो है मराठा साम्राज्य का ध्वज लहरेगा। और उसी समय पर उन्होंने नीतियाँ बनाना स्टार्ट किया, स्ट्रैटेजीज बनाना स्टार्ट किया, और उन्होंने सोचा क्यों ना मैं तान्हाजी को अपने साथ ले लूं। और तान्हाजी को उन्होंने साथ लेने की सोची, और जब भी उनको पता लगा कि तान्हाजी तो इस समय बहुत व्यस्त है क्योंकि उनके बेटे की विवाह हो रहा है, और उसी तैयारियों में वो बहुत ज़्यादा व्यस्त है, और इस चीज़ को उन्होंने सोचा कि अब मेरे को उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके परिवार में किसी तरीके की कोई एक अच्छा फंक्शन आने वाला है, एक अच्छा एक उत्सव होने वाला है। और ये चीज़ जब तान्हाजी महाराज को पता चली, तान्हाजी मलसोर को पता चली, तो उन्होंने बोला कि मेरे लिए सबसे पहले मेरा देश है, बाद में परिवार है। ये चीज़ उनके संस्कार में बिल्ड हो चुकी थी क्योंकि वो एक बहुत अच्छे सेनापति थे। इसी वजह से उन्होंने बोला कि चाहे कुछ भी हो, मेरे को उस युद्ध में लड़ना है। सबसे पहले वो गए छत्रपति शिवाजी महाराज के पास, उन्होंने बोला कि क्या करना है महाराज, आप हमें बताओ, मैं चाहे कुछ भी हो मैं उस किले को जीत के रहूंगा। और वो किला किसका था, वो किला था राजा उदयवान सिंह का। जो राजा उदयवान सिंह जी थे वो अपने स्वार्थ के कारण मुगलों के हाथों बिक चुके थे, और इसी कारण छत्रपति शिवाजी ने सबसे पहले सोचा कि चाहे कुछ भी हो, हमारे देश की धरती कभी भी किसी मुगल के हाथ में नहीं जानी चाहिए। वहीं पर तान्हाजी महाराज ने बोला कि चाहे कुछ भी हो, मैं इस युद्ध को जीत के रहूंगा, मैं कौंधाना किले पर अपने मराठा साम्राज्य का ध्वज लहरा कर रहूंगा। और वो अपनी छोटी सी सेना की टुकड़ी को लेकर पहुंचे, और उन्होंने सोचा कि फ्रंट गेट से हम एंट्री ले लेते हैं। और उन्होंने उसी समय पर यह भी सोचा कि अगर हम फ्रंट गेट से एंट्री लेंगे तो हो सकता है मुगलों की सेना को पता चल जाए कि वो आ चुके हैं, हमारे किले पर हमला हो चुका है। उन्होंने क्या किया कि वो पीछे की तरफ गए, और पीछे से उन्होंने एंट्री लेने की सोचा और पीछे से हमला करने की सोची। तो पीछे की तरफ वो जब पहुंचे, वहां पर बहुत ऊंची दीवार खड़ी थी। अब उन्होंने देखा कि अब हम इस पर कैसे चढ़ेंगे।
वहीं पर उनके दिमाग में बहुत ही शानदार आइडिया है। और वो शानदार आइडिया पता क्या था कि उनके पास अपनी एक पालतू छिपकली थी, और वो छिपकली कोई ऐसी नहीं जो छोटी वाली आपको घरों में मिलती है, वो छिपकली थी मॉनिटर लिजार्ड जो कि डिजर्ट में पाई जाती है। उसका साइज कम से कम 7 से 8 फुट का होता है और वो बहुत ही शानदार बहुत ही स्ट्रांग छिपकली होती है। उन्होंने क्या किया कि उस छिपकली को लेकर आए और उसकी पीठ पर रस्सी बांधी और उस छिपकली को चढ़ा दिया दीवार पर, क्योंकि छिपकली की चिपक बहुत अच्छी होती है। और इसी चीज़ का तानाजी ने फ़ायदा उठाया। फ़ायदा उठाते हुए जैसे जैसे वो छिपकली ऊपर चढ़ती गई, वो रस्सी मजबूत होती गई, और जैसे ही उसने दीवार को पार किया, वो सारे के सारे सैनिक ऊपर पहुंच गए। सारे के सारे तो नहीं, करीबन 300 सैनिक ऊपर पहुंच पाए थे, जब तक मुगलों की सेना को पता चल चुका था कि अब हमारे किले पर हमला हो चुका है। कुछ ही समय के बाद मुगलों की सारी सेना आ गई और उन 300 सैनिकों ने उन सारी सेना को मिलकर जो मारा है, वो बहुत ही शानदार स्टोरी थी और बहुत ही अच्छी तरीके से उनसे लड़ा गया। तो जो तानाजी महाराज थे, किसी कारण जो राजा थे, राजा उदयवान सिंह, राजा उदयवान सिंह जी से लड़ते लड़ते बहुत घायल हो गए। और घायल होते ही जैसे ही उनके मामा को पता चला, मामा छेलर, उन्होंने उनकी मौत का उनसे बदला लिया। और बदला लेते समय मामा छेलर ने राजा उदयवान सिंह को मौत के घाट उतार दिया। और जैसे ही मामा छेलर ने राजा उदयवान सिंह को मौत के घाट उतारा, तो वो सारा किला अपना हो गया, वो सारा किला मराठा साम्राज्य का हो गया। और उसी समय पर मामा छेलर ने छत्रपति शिवाजी महाराज को एक संदेशा, छोटा सा संदेशा भिजवाया, और उस संदेशे में क्या लिखा था आप सुनना चाहेंगे? और उस संदेशे में पता है क्या लिखा था? राज्य तो आया लेकिन शेर चला गया। कैन यू इमेजिन, एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी स्ट्रैटेजी के बल पर पूरे युद्ध को जीत लिया, ये बहुत ही शानदार योद्धा थे। मेरे को गर्व है कि मैं हिंदुस्तान की इस धरती पे, इस पावन धरती पे मैंने जन्म लिया जिसमें ऐसे योद्धा पैदा हुए। मेरे को गर्व है। आप अगर कुछ करना चाहते हो तो मेरे लिए, इस देश के लिए कुछ ऐसा करिए कि मेरी इस वीडियो को पूरे देश तक फैलाइए, पूरी दुनिया तक फैलाइए, जब तक सबको पता नहीं चलेगा कि हमारे देश में कैसे कैसे योद्धा हुए, जब तक वो शांत नहीं बैठेंगे। तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, और हमें कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोज़ हमेशा सबसे पहले मिलें।